जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। मंच पर विराजमान सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए संस्करण में। जैसा कि ये कार्यक्रम नियमित शाम को 7 बजे 7:10 से चालू होता है, 7:25 तक गुरुदेव की स्पीच 7:20 तक चलती है, उसके बाद मंत्र सुनाई देता है, सुनाया जाता है, और उसके बाद हम लोग मन ही मन मंत्र का जाप करते हैं और फिर आगे कार्यक्रम जो धीरे धीरे होता है हम लोग करते हैं। तो मैं अगर विनोद पुरोहित जी गुरु भाई मंच पे हैं तो उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया गुरुदेव की लेखनी को पढ़ें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर शुरू करता हूँ। गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई? जी आ गई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। हमें सत्य की खोज करनी होगी। संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली है। परम सत्ता ने अपनी त्रिगुणमयी माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कर्ता भोक्ता में कोई भी अंतर न होते हुए अंतर नजर आ रहा है। इस युग में मात्र जीव भाव ही शेष बचा है, आत्मभाव लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि आज विश्व में जितनी अशांति फैली हुई है ऐसी पहले कभी नहीं रही। इस समय विश्व से सतोगुण लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि रजोगुण पर पूर्ण रूप से तमोगुण का प्रभुत्व है। इसीलिए विश्व के कर्णधार भय से शांति स्थापित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पैगंबरवादी अपने आणविक हथियारों का भय दिखाकर जो जो शांति स्थापित करने का प्रयास तेज कर रहे हैं, अशांति उससे भी तेज गति से फैल रही है। आज विश्व में निरंतर नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज संपूर्ण विश्व को 7-8 बार नष्ट करें उतने हथियार बन चुके हैं। उनसे कोई यह पूछे पृथ्वी को एक बार नष्ट कर दोगे फिर जब विश्व में प्राणधारी कोई बचेगा ही नहीं तो बाकी का क्या होगा। प्रभु ने जो शक्ति सृजन के लिए दी थी उसका उपयोग विध्वंस में करने वाले क्या सेनाओं के यहोवा क्या सेनाओं के यहोवा के कोप से बच सकेंगे? सेनाओं का यहोवा क्या करेगा? उन्हें इस भविष्यवाणी का रोज चिंतन करना चाहिए। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। यशाया 29 विसर्ग 6। क्योंकि विश्व भर में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है, अतः वह शक्ति मानव को शांति से बैठकर सोचने का मौका ही नहीं देती है। शांति और अशांति मनुष्य के अंदर है, आणविक अस्त्र शस्त्र में नहीं। उनमें शांति ढूंढना मात्र मृग मरीचिका है। भय मिश्रित शांति मानव हृदय में जो वेदना पैदा करती है उससे अशांति चौगुनी बढ़ती है। विश्व शांति मात्र धर्म से ही संभव है। संसार भर के सभी धार्मिक ग्रंथ और संतों की वाणी जो सच्चाई कह रही है, जब तक हम सभी उनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का प्रयत्न पूरी लगन से नहीं करेंगे शांति मृग मरीचिका ही बनी रहेगी। मानव जब तक यह समझकर कि मानव मात्र परमेश्वर की संतानें हैं आचरण नहीं करेगा शांति असंभव है। मात्र शांति शांति चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक संसार के लाखों करोड़ों लोग अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे कार्य सिद्धि असंभव है। वेदांत दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म।
भारतीय दर्शन के सभी ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार केवल मनुष्य योनि में ही अपने अंदर ही की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है, केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद धन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि का उच्चतम विकास उस परम सत्ता के तद्रूप होना है। जब तक विश्व में ऐसे विकसित लाखों करोड़ों लोग प्रकट नहीं होंगे, शांति असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु यह कार्य गुरु के बिना असंभव है। मात्र गोविंद से मिलाने वाले को ही सदगुरु की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक उपर्युक्त भाषा में ही बाइबल बोलती है, तो कुरुंथियों 6:16 में भगवान ने ही अपने उपर्युक्त श्लोक दोहराते हुए कहा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या बंध, क्योंकि हम तो जीवते रमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बोलूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य योनि में ईश्वर के दर्शन संभव है, जिसे मोक्ष कहते हैं। बाइबल इसे अनंत की संज्ञा देती है। प्रकाशित वाक्य 2:11 में कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को सभी धर्म स्वीकार करते हैं। शब्द से उत्पन्न हुआ पुरुष पुनः शब्द के रूप में परिवर्तित हो सकता है, यह बात मात्र वेदांत दर्शन ही कहता है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत मात्र हमारे दर्शन की ही देन है। विश्व को इस दिव्य ज्ञान का दान भारत अनादिकाल से करता आया है और करता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सत, ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद धन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचे जो स्वर लोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं वह प्रकाश प्रद शब्द अजर अमर है, अनादि अनंत है। पतंजलि योग दर्शन में भी ऋषि ने कहा है, हरि नाम के जप के बिना कैवल्य पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, योग सिद्धि नहीं हो सकती। समाधिपाद के 24वें से 29वें तक के श्लोकों में ऋषि ने ईश्वर की व्याख्या करते हुए उसके नाम जप से विघ्नों का अभाव और आत्म साक्षात्कार की बात कही है। ऋषि कहता है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज, कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है। वह ईश्वर सबके पूर्वजों के भी गुरु हैं,
सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु काल से अवच्छेद है। गीता 8:17। क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओम है। उस नाम का जप, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। उक्त साधन से, ईश्वर के नाम जप से, विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में नाम जप को अपना स्वरूप बताते हुए, उसे सर्वोत्तम यज्ञ की संज्ञा देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। महाभारत में भी हरि नाम के जप को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा देते हुए कहा, जपस्तु सर्वोर्ध्वमेभ्य परमो धर्म उच्यते, अहिंसया चय भूतानाम जप यज्ञ है प्रवर्तते। समस्त धर्मों में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि जप यज्ञ बिना किसी हिंसा के पूरा होता है। यहूदियों के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में भी कहा है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहां दो समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा धुलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी जैसे गीता में ओम को ईश्वर का प्रतीक माना है, शब्द को ही परमात्मा की संज्ञा दी गई है। सेंट जॉन 1:4 में कहा है, आदि में वचन शब्द था और वचन शब्द परमेश्वर के साथ था और वचन अर्थात शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उस शब्द में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए उसे कर्म कांड वाले यज्ञों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ और आत्मा का कल्याण करने वाला कहा है। दर्श पौण मास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 गुना और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। कर्म यज्ञ के 4 पाक यज्ञ हैं, वे जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। ईश्वर के नाम जप से जो दिव्य आनंद साधक को निरंतर आता है, उसे संतों ने अपनी भाषा में नाम खुमारी की संज्ञा दी है। इस संबंध में संत सदगुरु श्री नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग दतुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत श्री कबीर दास जी महाराज ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। अतः जब तक यह नाम खुमारी संपूर्ण विश्व को आनंदित नहीं कर देती, शांति केवल कल्पना ही रहेगी। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का अत्याधिक महत्व है। शक्तिपात दीक्षा हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। यह गुरुओं द्वारा दी जाने वाली गुप्त दीक्षा है, जो आदिकाल से गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही है। गुरु शक्तिपात द्वारा साधक की कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे जगत जननी कहा है। हमारे शास्त्रों में इसे
जगत जननी कहा है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यह दिव्य ज्ञान मात्र हमारे ऋषियों की ही देन है। ज्ञान संकलिनी तंत्र सागर मही बूंद बूंद मही सागर कवणु बुझे विधि जाने श्री नानक देव जी। और कबीरदास जी कहते हैं बूंद समानी समुंद में यह जाने सब कोई समुंद समाना बूंद में बूझे विरला कोई। हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को विराट स्वरूप प्रमाणित करके उसके अंदर संपूर्ण सृष्टि को देखा। इसके जन्मदाता परमेश्वर का स्थान सहस्त्रसार में और उसकी पराशक्ति अर्थात कुंडलिनी का स्थान मूलाधार के पास है। इन्हीं दोनों के कारण ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। साधक की कुंडलिनी शक्ति चेतन होकर सहस्त्रसार में लय हो जाती है, उसी को मोक्ष की संज्ञा दी गई है। इसी सिद्धांत के अनुसार संत सदगुरु शक्तिपात दीक्षा से साधन साधक की कुंडलिनी को जागृत करके सहस्त्रसार में पहुंचाते हैं। शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब क्या होता है इस संबंध में कहा है, सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडलिनी तदा सर्वानी पद्मानी विद्यन्ति ग्रंथयो पिच स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका। जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का वेदन होता है। जागृत हुई कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में से होकर ऊर्ध्वगमन करने लगती है। वह छह चक्रों मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र और तीन ग्रंथियों ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का वेदन करती है और अंत में समाधि स्थिति जो कि समत्व बोध की स्थिति है उसको प्राप्त करा देती है। परंतु विश्व का कोई भी दर्शन क्रियात्मक ढंग से मोक्ष प्राप्ति का पथ प्रदर्शित नहीं करता। यह अद्वितीय ज्ञान तो मात्र सनातन धर्म वेदांत दर्शन की ही देन है। विश्व के बाकी धर्म बौद्धिक तर्क और शब्द जाल के जंजाल में फंसाकर ईश्वर की सत्ता का आभास दिलाने का प्रयास मात्र करते हैं, वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत को ईसाई दर्शन भी पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। गुरु से दीक्षा लेकर यीशु द्विज बना था, इसीलिए उसने इसराइलियों के धर्म गुरु निकुदेमस को कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देखा नहीं जा सकता। परंतु उस समय के धर्मांध और क्रूर धर्म गुरुओं ने उस निर्दोष संत का वध मात्र इसीलिए करवा दिया कि उनके पापों का भेद खुल ना जाए। ईश्वर ने जो पथ प्रदर्शक यहूदियों को दिया उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इस प्रकार वे गहन अंधकार में फंसे रहे। जब यीशु ने देखा कि इन लोगों में किसी प्रकार का सुधार आने की संभावना नहीं है, तब उसे भविष्यवाणी करनी पड़ी कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यह बात इतनी गहन है कि आज ईसाई इसका अर्थ ही नहीं समझते हैं। जिस सहायक के भेजने की बात कही गई है वह सर्व सिद्ध होगा और वह शक्तिपात दीक्षा से उनकी कुंडलिनी जागृत करके उन्हें आत्म साक्षात्कार करवाएगा। इस प्रकार सर्वदा साथ रहने की बात सत्य प्रमाणित होगी। उसने स्वर्ग जाने से पहले मृत्यु के बाद 40वें दिन अपने शिष्यों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो
जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि जहन ने भी पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से मैं बपतिस्मा पाओगे। बाइबल में जिस आनंद की बात वर्णित है, वह आनंद पश्चिम को उस सहायक द्वारा शक्तिपात दीक्षा अर्थात बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट देने के बाद आने लगेगा। उस आनंद की खुमारी के कारण वे साधक हर समय झूमते रहेंगे और लोग समझेंगे कि उन्होंने शराब पी रखी है। हमारे संतों ने जिसे नाम खुमारी की संज्ञा दी है, उसी नाम खुमारी के कारण वे झूमेंगे। ज्ञान के अभाव में लोगों को भ्रम हो जाएगा कि उन्होंने पी रखी है। इसका वर्णन करते हुए प्रेरितों का काम 2 विसर्ग 14 से 18 में लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनीय अर्थात वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। बाइबल के असंख्य संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी उनका सही अर्थ समझ में आएगा। प्रभु ने मुझे युग परिवर्तन के इस संधि काल में सबसे कठिन कार्य सौंपा है। ऐसा नहीं है कि कार्य की कठिनाई के बारे में मैं अंधकार में हूं। मुझे उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा दिया और समझा दिया है। अंतिम नतीजा वही होगा जो हर युग में होता आया है। प्रारंभ में जब प्रथम दीपक जलता है तो ऐसा लगता है कि टिमटिमाता दीपक विश्व के अंधकार को, जो कि ठोस बनकर जम गया है, कैसे दूर कर सकेगा। परंतु जब दीपक से दीपक जलने लगता है, जो जलने वाले दीपकों की संख्या में जिस तेज गति से निरंतर वृद्धि होती है, उससे संसार में अंधेरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सेंट जॉन एक अभूतपूर्व दिव्य व्यक्ति था। मैं उसके जीवन को यीशु से कम महत्व का नहीं मानता। उस महान आत्मा ने भी तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर अपना सिर कटवा लिया था। हेरोदेश उस समय चौथाई देश का राजा था। उसने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास को रख लिया था। सेंट जॉन ने कहा कि उसने यह पाप किया है, इस पर उसे जेल में डाल दिया और बाद में उसका सिर कटवा दिया था। इस प्रकार भी तो यीशु से पहले धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। उसके प्रकाशित वाक्य में जो कुछ लिखा है, उसे आज का ईसाई जगत समझ ही नहीं सकता। बाइबल का यह संपूर्ण आखिरी भाग पूर्ण रूप से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, अतः अंतरात्मा की अभिवृद्धि से ही समझा जा सकता है। मैं प्रकाशित वाक्य के कुछ संदर्भ नीचे लिख रहा हूं। क्या इस पवित्र ग्रंथ के मानने वाले इनका अर्थ समझने में सक्षम हैं? प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 16 एवं 17। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 2 विसर्ग 17, जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है,
जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। एक बार पुनः सभी को मंच पर पधारे हुए सभी गुरु भाई बहनों का फिर से स्वागत है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाले कार्यक्रम गुरु से अक्ष सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के भाग में आप सभी का स्वागत है। किसी गुरु भाई ने हैंड रेज किया था, शायद मैं बुलाना चाहूंगा। नहीं देखा, देख नहीं पाया था कि किनका हैंड रेज हुआ था। जिसको, जिस गुरु भाई ने हैंड रेज किया कृपया मंच पे आए और अपनी बात को रखें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के माध्यम से गुरु के संदेश को पूरे विश्व में फैलाना है, जन जन तक गुरु के दर्शन को बताना है। गुरुदेव का आदेश है कि इस दर्शन की जानकारी कम से कम इस जीवन में मनुष्य मात्र को दे दो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। धर्म विशेष, जाति विशेष से इसमें कोई मतलब नहीं है। भगवान का नाम गुरुदेव देते हैं और एक दिव्य मंत्र संजीवनी मंत्र की संज्ञा गुरुदेव ने दी है कि अगर आप इस नाम को जपोगे तो आप बीमारी से नहीं मरोगे। स्पेशली एड्स और कैंसर वालों को गुरुदेव बोलते हैं कि बीमार व्यक्ति की तो अजबात उसी दिन से चालू हो जाता है और जो जिज्ञासु लोग होते हैं उनको थोड़ा समय लगता है। तो हमें जो गुरु प्रसाद मिला है इस जीवन में, मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो सब योनियों से उत्तम योनि है और मनुष्य मात्र का कर्तव्य यही होता है कि इस धरा पर जब वो आया, भगवान ने हमें भेजा है तो उत्तम कार्य करने के लिए भेजा है। जाओ, पिछले जन्म में आप क्या थे उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको नहीं मालूम कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है, पूर्व जन्म में आपने क्या किया है, पुण्य किया है, पाप किया है, क्या किया, आपको नहीं मालूम। लेकिन सिद्ध योग के माध्यम से गुरुदेव कहते हैं कि आप वो भी जान जाओगे, वो भी देख लोगे कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, वो भी आपको दिख जाएगा। तो मनुष्य मात्र को मनुष्य योनि में जब हम आते हैं तो हमें ईश्वर का आदेश होता है कि जाओ और सत्कर्म करो, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहो, अच्छे कर्म करो, पूजा पाठ में मन लगाओ, भगवान को पाना है, ईश्वर को पाना है तो सत्कर्म करो। ये भी कहा गया है कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसे ही फसल हम काटेंगे। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई ने एंड्रेज किया है, आपका स्वागत है गुरु भाई जी। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि कई गुरु भाई आज नए जुड़े हैं जी। एक एबी करके आईडी है, एक देवेंद्र जी है जी जी, आज तो काफी लोग हैं, कोई बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। वही वही मैं निवेदन करने वाला था कि जितने भी गुरु नए गुरु भाई बहन है कृपया हैंड्रेज करें, आपका मंच है, आप बिल्कुल न संकोचे, आप अपनी अनुभूतियों को शेयर कर सकते हैं, अपने अनुभवों को बांट सकते हैं, हो सकता है आपके अनुभवों से लोगों को और प्रेरणा मिले। मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया हैंड्रेज करें और मंच की शोभा को बढ़ाएं। आज सुबह बच्चों के कार्यक्रम में एक बिटिया ने प्रमिला सिंह, जय गुरुदेव गुरुदेव, आपका स्वागत। जय गुरुदेव सर, आपका स्वागत है। अगर कोई इशू ना हो तो कृपया आप कैमरा भी ऑन कर लें। सर कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगी, मैं ऑडियो पे रहती हूँ सर, वो ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। हाँ सर, मैं हाउसवाइफ हूँ और सर मेरे को ये मंत्र मिला था कब, तकरीबन 20 दिन पहले जी। गुरुबान, मैं तो सर आपका एक संक्षिप्त सा परिचय चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं। सर मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ सर। जी 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 हाँ, और मेरे को ये मंत्र मिला था सर, ये दिव्य मंत्र मेरे को मिला था तकरीबन 20 दिन पहले
और सर मैं इसका डेली मनन करती हूँ, इसको जप करती हूँ सर मन ही मन। और सर मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ है, मेरे को डिप्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था, मेरी दवाई चल रही थी, तो अभी मेरे को लग रहा है कि इससे मेरे को बहुत फायदा हुआ है सर इस मंत्र से। गुरबान जी, किसी गुरु भाई ने आपको बताया था गुरु के गुरुदेव के बारे में? जी हाँ। तो आप अपनी क्या जी पत्नी, आपकी कोई समस्या है उससे आप है? हाँ सर, मेरे को डिप्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था और मेरी दवाई चल रही थी पिछले 3-4 साल से, तो सर मेरे को काफी फायदा है उस प्रॉब्लम में सर अभी। गुरबहन, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि इसमें डिप्रेशन, चलिए एक साधारण सा गुरुदेव बोलते हैं कि डिप्रेशन के लिए तो मात्र 1 सप्ताह 10 दिन में लाभ हो जाता है, तो इसमें असाध्य बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। जी सर जी, आप मुझे सर न कहें, गुरु भाई बोल के संबोधित कर सकती हैं। हम सारे जी गुरु भाई, जी गुरु भाई। परिवार के सदस्य हैं, मेरा आपसे निवेदन है जी, जी गुरु भाई। और जो आपको अनुभव हुआ है, जो लाभ हुआ है इन 10 दिनों में या 15 दिनों में, जो भी आप आराधना कर रही हैं उसके बारे में जरूर बताएं। आपकी बीमारी कब से थी और कौन कौन सी दवाइयां आप कर चुकी थी इससे पहले? सर मेरी एलोपैथी की दवाई चल रही है, दवाई का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन एलोपैथी की दवाई चल रही है सर मेरी 4 साल से। जी 4 साल जयपुर से दवाई जी 4 साल से चल रही है मेरी, जयपुर से दवाई चल रही है। और सर मेरे को थोड़ा टची नेचर हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को कोई कुछ कह देता है तो मैं बहुत फील कर जाती हूँ उस चीज को, फिर मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, तो उससे मेरे को डिप्रेशन बन जाता है। तो ये जब से मैंने मंत्र जाप किया सर, मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं होती, करती सर चीजों को, अब फील नहीं करती सर मैं। गुरबहन, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि ये जो मंत्र है गुरुदेव का, ये संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव कहते हैं कि एक ऐसा मंत्र है, अलाइटेड मंत्र है, इससे आपकी हर समस्या जी जी गुरु भाई, मनुष्य जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान इस मंत्र से ना हो। गुरुदेव कहते हैं कि आपको नाम जपना है, सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना है, और इतना सरल तरीका मुझे नहीं लगता कि किसी और माध्यम से हमें मिल सकता है। जी गुरु भाई जी, और आराधना का तरीका गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया है कि मंत्र को आप जपना, आपको जपना मन ही मन, आप चाहे कहीं भी हैं, भीड़ में हैं, कहीं भी हैं, खाना खा रही हैं, खाना बना रही हैं, नहा रही हैं, धो रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आपको मन ही मन जपना है। और इतनी सरल आराधना है और इसका परिणाम इतना बढ़िया मिलता है गुरुबहन, जब परिणाम आता है तो हमें उस गुरु के श्री चरणों का धन्यवाद करते हुए कहना पड़ता है कि गुरुदेव आप जैसा कोई नहीं। जी गुरु भाई, गुरुबहन और भी कुछ आप बोलना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं गुरुबहन? नहीं सर, बस इतना ही बताना चाहती हूँ सर, थैंक यू गुरु गुरु भाई, इतना ही बताना चाहती हूँ। गुरु बहन, मैं अभी थोड़े दिनों में करने लगी हूँ इसको, तो मैं सुबह शाम उनका ध्यान करती हूँ 3rd eye पे, तो मेरे को काफी शांति महसूस होती है इससे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, दिव्य अनुभूति टाइप का होता है मैम मेरे को। अच्छा, और योगिक क्रियाएं नहीं होती कोई भी ये होती हैं? नहीं मैम, योगिक क्रियाएं तो मैं कुछ अभी करने नहीं लगी हूँ, ना मेरे को अभी ज्यादा फील होती है, लेकिन हाँ ये है कि मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, मेरे को अंदर से हैप्पीनेस फील होती है बहुत ज्यादा। वाह, बहुत अच्छा। हाँ फिर वो मनोमय कोश वगैरह के लेवल पे काम हो रहा है इसका मतलब, शारीरिक ऑटोमेटिक योगा भी होता है गुरुदेव की साधना में ना, ऑटोमेटिक आपकी जो फिजिकल बॉडी है ना उसमें भी ऑटोमेटिक योग हो सकता है कभी। जी जी, रिक्वायरमेंट अगर हो, हम बॉडी की रिक्वायरमेंट जी 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 गुरु भाई, जी गुरु भाई, ओके, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं प्रमिला गुरुवान जी से एक ही निवेदन करूंगा, गुरुदेव की जो आराधना है सिद्ध योग इतना सरल है गुरुबहन की, बस आप करते जाइए और देखिए आपके जीवन में कितने सारे बदलाव आते।
जी गुरु आप भाई, पहली बार जी. जुड़ी हैं, मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं आपको अपने बारे में बताऊं, और कोई नहीं बताता, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मुझे गुरुदेव ने 2006 में पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था. तो बेटा तू बता दुनिया में कि तुझे क्या बीमारी थी. मैं कभी नहीं झिझकता. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2005 में HIV पेशेंट था. अच्छा, कोई नहीं डरता अपने आप को सामने. जी जी. और मैं आज गुरु सियाग, गुरुदेव सियाग के श्री चरणों की देन है, उनका आशीर्वाद है, उनके मंत्र के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आपके सामने बात करने की स्थिति में. जी. और दवाई का तो कोई मतलब ही नहीं. जी जी. दवा तो 2005 में गुरुदेव ने छुड़वा दी. जी. नाम जब ध्यान कर ठीक हो जाएगा. विनोद जी, गुरु भाई ने एंड्रेज किया. स्वागत है गुरु भाई जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जय गुरुदेव सभी को. बस ठीक है गुरु भाई, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर प्रमिला गुरु बहन अपनी बात पूरी कह चुकी हैं और इनकी कोई जिज्ञासा, कोई सवाल, कोई शंका या कोई बात नहीं है, तो फिर जैसे बुद्धि भाई ने बोला था ना कि और भी लोग हैं जो नए लोग हैं, तो आप मंच पे आमंत्रित कीजिए. जय गुरु. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रमशः बुलाएंगे. बबीता गुरु बहन ने हैंड रेज किया, स्वागत है. कृपया मैं मुझे सारे गुरु भाई बहनों से अनुरोध है, जितने भी नए लोग जुड़े हैं, आप सभी से निवेदन है कि अपना हैंड रेज करें, बारी बारी से आपको हम बुलाएंगे. जय गुरुदेव. बबीता बहन जी अपनी बात रखें. जय गुरुदेव. पहले उन नयों को बुला लो भाई, सब मैं तो फिर भी बता दूंगी. गुरुबान जब तक बोलिए, जब तक कोई आता नहीं है. हमने अनुरोध कर लिया है. पर्सनल नाम से किसी को अगर बुलाना तो मुझे सजेस्ट किया जाए, मैं बुलाऊंगा. यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है नाम लिस्ट में, कृपया आप लोग देख करके बुलाएं किनको बुलाना है, हम जरूर बुलाएंगे. धनंजय गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है. अब सभी को मेरा जय गुरुदेव भाई से, सभी को मेरे जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव. मैं मेरी कल की भूति बताना चाह रही हूँ. जी जी, स्वागत है. रात को सोने से पहले मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की थी, गुरुदेव आज पूरी पूरी जिंदगी हो गए सोते सोते, पता नहीं कितने जन्म हो गए सोते, आज मेरी पूरी रात मेरे को आराधना करानी है, मैं पूरी रात आराधना करना चाहती हूँ, मेरे को सुलाना मत. तो गुरुदेव ने पूरी रात एहसास रहा, हर 10-15 मिनट के अंदर जैसे मेरे को चेतना जाग रही है और मैं सो रही हूँ, फिर नाद में कभी मंत्र जाप में पूरी रात चली है. अब उसमें मेरे को समझ में नहीं आता है, जैसे कोई जंगल सा दिखाई देता है, पेड़ पौधे हैं, फूल है, उन फूलों में से दिव्य सफेद रोशनी निकलती, उस रोशनी पूरे मेरे को घेरती चली आती है, ऐसे ही मेरे को नाद में महसूस होता है और पूरी उस रोशनी के अंदर मैं डूब जाती हूँ और ऐसे फिर धीरे धीरे उससे निकलती हूँ बाहर. तो ऐसे ही रोशनी मेरे को हर दम नाद में वही फूल पेड़ पौधे लताएं यही दिखते हैं, उनमें से दिव्य रोशनी सफेद रोशनी है वो निकलती नजर आती है और वो बहुत तेज हो जाती है और फिर वो मैं जैसे मैं उसके अंदर चली जाती हूँ. बस ध्यान के अंदर मेरे को शायद 15 ही होगी, बहुत गहरे में चली गई, बहुत ज्यादा बड़ी पिक्चर थी लेकिन मेरी समझ में नहीं आई, कुछ याद रहा मैंने यहाँ का आंख जब होश में आएगा तब मैं याद रखूंगी, लेकिन कुछ याद नहीं रहा, सिर्फ इतना याद रहा है कि सीता मैया को मेरे को दिखाई दी, मैं बोली सीता मैया और एक समुद्र है उसमें बड़े बड़े पत्थर, उस पर राम लिख लिख के समुद्र में डाला जा रहा था और समुद्र में बड़े हर पत्थर को पर राम लिखा हुआ था और सारे पत्थर तैर रहे थे. इतना ही याद रहा और इतनी बड़ी थी, कुछ भी याद नहीं रहा मेरे को क्या था कहना, सिर्फ दो ही बातें, सीता मैया का एक है, ये सीता मैया है और कोई पत्थर है जो बड़े बड़े हैं उस पर राम लिख लिख के उस समुद्र में फेंक रहे हैं. और सुबह जब फिर मैं ध्यान पे बैठी, उस ध्यान के अंदर मेरे को तलवारों से युद्ध नजर आया. बाप रे, तलवारों वाला. हाँ, जो पहले तलवार से युद्ध करते थे वो युद्ध का सीन नजर आया. फिर मैंने मेरी बेटी से कहा, मम्मी बेटी मुझे ये गुरुदेव ने चार प्रकार से युद्ध तो मेरे को दिखा दिए, तलवार वाला युद्ध इस जमाने में कहाँ से होगा, शायद हो सके कौन किसी जमाने का होगा, कब का होगा पता नहीं, पर वो युद्ध तलवार बाजी से ही दिखाया गया था ध्यान के अंदर बैठते ही. बहुत सच्चा गुरबान है. तो आपका जो पहले तो जो रात वाला है सेतु बंधन गुरुदेव ने दिखा दिया,
ये सच्चाई है। लोग कहते हैं ना कि राम कल्पना है कि क्या है, सच्चाई है कि कल्पना है, तो सच में वो कल्पना नहीं है, ऐसा हुआ है, गुरुदेव ने दिखाया अभी। और दूसरा जो आपका तलवार वाला, तो वो भी एक जमाने में होता था, और तलवारबाजी कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कब होगी, वो गुरुदेव जाने। यही अनुभूति थी और कुछ नहीं है भाई साहब, बस यही है कि बस उसकी वो नाद के अंदर इतना नाद बसता है दोनों कानों में, मुंह के अंदर, दांतों के अंदर, पूरे में सनसनाहट शुरू हो जाती है पूरे सिर के अंदर से, और उसमें नाद में गहराई में चली जाती हूँ मैं बस आजकल। यही मेरा तभी सेशन में सेशन चल रहा है, मेरे दोनों कानों में सीटियां बज रही है, नॉन स्टॉप बज रही है, वो तो बजती रहती है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देते तो उस गहराई में जाने लग जाते ये। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो याद नहीं रहता है, दिक्कत बहुत कुछ है, लेकिन सोचे इसके बाद जब याद रहेगा मैं याद रखूंगी, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकल के आते सब कुछ भूल जाते, कुछ याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, कम है जो ध्यान में दिखा है और याद रह गया, बहुत कम रहता है, बहुत बस कम, वो प्रकाश है कि वो फूल होते हैं, फूल उनमें से वो प्रकाश निकलता रहता है। यही देखो बस यही मजा करना चाह रही थी। जय गुरु, बहुत 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 अच्छा लगा, विशेष अनुभूति है आपकी, दो दो अनुभूतियां रात में और सुबह गुरुदेव ने आपको दिखाया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। धनंजय गुरु भाई ने हैंड रेज किया, स्वागत है गुरु भाई जी आपका मंच पर। धनंजय जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। सारे गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। और मुझे भी मतलब इतने टाइम बाद एक मतलब दो तीन अनुभूतियां हुई, तो मैंने भी सोचा मैं मंच पे थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लें आप प्लीज। दिख रहा हूँ मैं गुरु भाई, अब दिखाई दे रहा हूँ गुरु भाई मैं? हाँ नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। धनंजय भाई आपका कैमरा ऑफ शो कर रहा है सिस्टम में। अब ऑन कर लिया मैंने। गुरु भाई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप अनुभूति शेयर कीजिए, नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो जी तो मैं करके छोड़ दीजिए, हो सकता है जी। तो मैं बताना चाहता हूँ गुरु भाई, जैसे अभी तकरीबन कितने दिन पहले की बात है, अब तो याद भी नहीं रहता ना दिन, हाँ, बट ये है कि मन में आया कि गुरुदेव के मतलब मैंने चश्मा देखा, मैंने कहा गुरुदेव इसमें भी आपकी कोई ना कोई तो लीला होगी कि आपने चश्मा लगाया है। तो फिर अंदर मैं ध्यान कर रहा था और उसी टाइम एक हाथों हाथ मुझे जवाब मिला कि अगर मेरे प्रकाश वो सॉरी मेरे वाणी से इतनी लोगों की कुंडलियां मतलब जागृत हो जाती है मात्र शक्ति, तो ये मेरी आंखों के सामने दर्पण नहीं हो और पर्दा नहीं हो तो सोच क्या होगा। तो तेज को रोकने के लिए ये चीज बीच में है, भौतिकता में मेरी वाणी से इतना मतलब लोग जागृत हो जाते हैं और कुंडलिनी मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर खड़ी हो जाती है, तो अगर ये चश्मा नहीं होगा बेटा तो वो हो जाएगा जो कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात गुरुदेव। फिर उसके बाद में एक दिन मैं बैठा हुआ था तो अपना सेशन ही सुन रहा था, उसमें किसी ने बताया कि गुरुदेव ने उनको शायद ध्यान में बताया था या ध्यान में उनको पता चला कि गुरुदेव क्या है मतलब, और मतलब पता नहीं मैं कौन सा सेशन देख रहा था, याद भी नहीं रहता गुरु भाई आजकल तो इतनी चीजें होती है जैसे ही होती है भूल जाते हैं, बट मुझे उसका ये याद है कि गुरुदेव ने अंदर से एक प्रेरणा सी आई कि जो बनता है उसको तुम पा सकते हो, ठीक है, जो अजन्मा है जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत है, ठीक है। तो बोले मैं क्या हूँ, अगर मैं कुछ होता मैं बनता तो मैं मिटूंगा, बट मैं इसके मतलब सारी चीजों से मतलब बियॉन्ड हूँ। और उसी टाइम इंस्टेंट हुआ मेरी आंख मतलब क्लोज हुई जस्ट रीडी सॉरी गुरु भाई मैं एक्चुअली का वो स्टाफ थे तो जस्ट मेरी आई मतलब मैं उस टाइम ऑफिस में ही था, मतलब आजकल तो ये है कि आई डोंट इवन नीड टू मतलब मुझे बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, इंस्टेंट कभी भी ध्यान घट जाता है,
तो मेरी आंखें बंद हुई और जैसा अपन टीवी में आंखों से देखते हैं ना, मैं ब्रह्मांड की एक गैलेक्सी के ऊपर खड़ा हुआ था। और वाह वो वाह, देख के मैं इतना बुरी तरह डर गया कि मैंने फटाफट आंखें खोली, मैंने कहा ये क्या देख लिया, मतलब मैं रेडी नहीं था उस चीज के लिए, बिल्कुल भी रेडी नहीं था। और वो गुरुदेव ने दिखा डाला कि ये मैं हूँ, ये है मेरा विराट स्वरूप, कहाँ जाएगा कहाँ खोजेगा, जाता जा। और एकदम से आंख क्लोज हुई और मतलब ये चीज मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैंने पूरी गैलेक्सी देख ली, मतलब 2-3 सेकंड के लिए होगा गुरु भाई को, ज्यादा भी नहीं कहूंगा कि 10 सेकंड 20 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड का वो रहा होगा। हाँ 3 सेकंड, होता हम झेल हाँ ही नहीं पाते गुरु भाई, इतना पावर होता है उसमें ना। हाँ तो मैं एकदम से डर के मैं उठ गया, फिर अंदर से वो एक था कि ये है मेरा विराट स्वरूप है बेटा, उनका आपकी लीला आप ही जानो। तो यही बताना चाहता हूँ। और फिर अभी कल की बात है कि मैं बैठा हुआ था, एकदम से मुझे ध्यान लगा, मतलब आजकल ध्यान में तो बैठते हैं वो बात अलग है, बट गुरुदेव ने क्या है कि ध्यान एक घटना है, वो घटती है, आप कर नहीं सकते, वो गुरु की इच्छा होगी तभी होगा। तो अभी हुआ कि मैं बैठा हुआ था और एकदम से ही मेरा ध्यान लग गया, और ध्यान लगा फिर मैं उठा और एकदम से आंख क्लोज हुई और जो थर्ड नेत्र होता है वो दिखाई देने लग गया। तो वाह ऐसा वाह, कई बार होता है गुरु भाई, काफी टाइम होता है कि तीसरी आंख स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे अपन कांच में अपनी ये दो आंखें देखते हैं वैसे आंख बंद करके वो तीसरी आंख दिखती है खुली हुई। तो ये गुरुदेव की ही क्या बोले गुरु भाई, मतलब इतनी कृपा है कि आजकल तो मेरे को कार्डबोर्ड में पेड़ पौधों में तो वो चेतना फील होती है, पर वो गुरुदेव आज कार्डबोर्ड में, तार में, पत्थर में, हर जगह, मतलब उनका वो ये नहीं कहेंगे कि उनका चेहरा दिखता है या वो दिखता है, नहीं, वो एक एनर्जी फील होती है, आप कहते हैं ना चेतना, जी मतलब आप बिल्कुल, वाइब्रेट करते हो। तो शॉकिंग बात तो ये है कि मुझे काफी टाइम से पेड़ों की, जीवों की चेतना से कनेक्ट होता हूँ कि हाँ ये है, हम एक ही है ये, पर अब तो गुरु भाई नॉन लिविंग थिंग से भी कनेक्शन होता जा रहा है। वो बात बड़ी अजीब लगती है कि यार कार्डबोर्ड कुर्सी ये क्या चीज है, ये भी गुरुदेव का विज्ञान है, बट मैंने कहा कि चलो एक बार मुझे मंच पे बताना चाहिए, मैंने मेरे भाई को बताई वो तो कहा उन्होंने कि तू जा, तू ध्यान कर, जा तू चला जा यहाँ से कमरे से बाहर। उन्हें तो ये बातें बहुत अजीब लगती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ, बट मैं बताता भी नहीं हूँ गुरु भाई, अब कोई मतलब ठीक है गुरु परिवार में हम डिस्कस कर सकते हैं, बाकी इतना ही क्या है ना कहूंगा। गुरु भाई जी कि ये तो ये गूंगे वाला गुड़ है ना, जो जी खाएगा वही समझ पाएगा कि इसको क्या, उसका स्वाद क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसका टेस्ट क्या है। गुरु भाई बता, तो बताने का भी मन नहीं होता, बट वो तो गुरुदेव की प्रेरणा होती है, वो गुरुदेव को बुलवाना होता है तब बुलवाते हैं, वरना हो तो काफी दिनों से रहा है, मैं नहीं साझा करता, बट ये मुझे अब धीरे धीरे फील होता है कि गुरुदेव आपको अपने रोबोट जैसे ही यूज करते हैं, हम रोबोट ही हैं, द बिल्कुल, टाइम बुलवाना होगा वो बुलवा के ही रहेंगे, और नहीं बुलवाना तो आपको गूंगा बना के बैठाए रखेंगे। गूंगा बना के बैठाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे कहूंगा गुरु भाई जय गुरुदेव हैं। सारे। हम अपने कंट्रोल में रहते कहाँ है, तो करने वाले वही हैं, करवाने वाले वही हैं। जी गुरु भाई, हम तो बस गुरुदेव की माइक है, जैसा गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं तो गंगाई नाथ जी का माइक हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा इनकी नौकरी करूंगा। तो हमारा भी वही उद्देश्य है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे गुरुदेव की नौकरी करेंगे। जी गुरु भाई स्पष्ट है। और ये जो जीवन मिला है गुरु भाई जी, उस पे हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि हमें दूसरा जन्म मिला है, और सच में हमारे कुछ प्रारब्ध अच्छे रहे होंगे तभी तो हमें गुरु चरणों की सेवा मिली है, आज नहीं तो जैसे लोग कि भटकते रह जाते हैं। आज जो गुरुदेव की लेखनी में था, बैप्टाइज विद द होली गोस्ट, राइट, यही शब्द था ना शायद सेंटेंस। हाँ गुरु भाई यही जी था। आई, ये हाँ ये मुझे गुरुदेव ने मतलब 2-3 हफ्ते पहले ध्यान में बुलवाया कंटिन्यूअसली, मतलब 15 मिनट, बैप्टाइज विद द होली गोस्ट, इफ यू वॉन्ट टू सी द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। मैं लगातार 2-3 दिन यही यही बात बोलता गया ध्यान में, मेरे भैया भी वहीं बैठे रहते थे ध्यान करते थे, तो कहते थे तू ये बोलता क्या है, तू कहाँ से सीख के आया, ये तू बाइबल पढ़ता है यार, मैंने तो आज ना बाइबल देखी भी नहीं, होती कैसी है, मैंने अच्छा बाइबल छुई भी नहीं,
और वो मेरे को देखते रहते थे, यार ध्यान तो मैं भी करता हूँ, तू कर क्या रहा है, ये तू क्यों कह रहा है बैप्टाइज विद द होली गोस्ट, कौन है होली गोस्ट पता? मैं उनसे क्या बोलूँ, मैंने कहा यार मुझे भी नहीं पता ये होली गोस्ट कौन होता है, बैप्टाइज क्या होता है, और फिर वो ध्यान में ही आ रहा था इफ यू वॉन्ट टू सी द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव की मर्जी गुरु भाई, अब तो सोचते भी नहीं, अब तो यही होता है कि पता भी नहीं रहता क्या क्या हो रहा है, बस इतना ही कहना चाहूंगा गुरु भाई, जय गुरुदेव। भाई जी, गुरुदेव की जितनी भी लेखनियां है, चाहे गुरुदेव बहुत सारी लेखनियां लिखे होंगे, लेकिन सारा का सारांश और निचोड़ एक ही है, नाम जप। जी गुरु भाई, नाम नाम जप, बिना कुछ नहीं होगा गुरु भाई, क्योंकि बीच में नाम मैंने जप, ही नाम जप, नाम जप। और इसके लालच में मैं भी आया था, मोक्ष और नाद के लालच में मैं भी ट्रैप हुआ था, हुआ था मेरी वजह से ही हुआ था, बट वो बहुत जरूरी था गुरु भाई होना, क्योंकि उस टाइम नाम नहीं होता वो 2-3 महीने के लिए तो नाम जप की महिमा नहीं पता चलती, तो नहीं गुरु चलते जी ने नाम जप की महिमा ही बताने के लिए वो कराओ, और साथ में नाद की इम्पोर्टेंस भी बताई कि बेटा बिल्कुल। ये फोटो, ये नाद, ये नाम जप, ये सब एक है, बट हर चीज की रिक्वायरमेंट मैं बताऊंगा कैसे, तो मुझ पे छोड़ दो, मैं स्वतः करवाता रहूंगा कि व्हेन यू रिक्वायर्ड फोटो, कब तुम्हें अजपा जाप को सुनना है दिन में, ठीक है। अब मेरा वो रूटीन बन चुका है गुरु भाई ऑटोमेटिकली, कि फ्री बैठा हूँ कुछ भी हो रहा है अजपा जाप चल रहा है, अब नाद मुझे ध्यान में या सोते समय, या मैं बहुत खाली बैठा हूँ ना बिल्कुल, क्योंकि नाद गुरु भाई एक उस गहराई में ले जाता है जहां आपको सुध बुध नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता है एक बार शायद तो नहीं, हाँ मुझे पक्का कंफर्म है गुरु भाई कि मेरा ध्यान घटित हुआ था, और मैं तब ध्यान से बाहर आया तो 5 मिनट तो मुझे ये फील करने में लग गया कि सामने बैठा है जो मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मैं कहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, मतलब मैं पूरा ब्लैंक था, मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ, आज भी बता सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे 5-10 मिनट तो ये समझ में ही नहीं आया ये मेरी मम्मी भी है, ये कौन लोग हैं, मैं इनके साथ क्यों, बिल्कुल ब्लैंक था मैं, तो मैं गुरु हाँ गुरु, वो बिल्कुल बिल्कुल भी जय गुरुदेव, बीच में बोलना चाहूँ, बॉडी बिल्कुल साथ नहीं देती है, उस तंद्रा से निकल कर आते हैं जो, वो गहरे ध्यान से आते हैं जो। हाँ गुरु बहन वो ही था, पता नहीं वो क्या था गुरु बहन, बट बहुत ही मतलब पहला एक्सपीरियंस था वो तो लाइफ में, उसके बाद हुआ पर वो बहुत एक दो बार हुआ, पर वो बहुत अजीब था। गुरु भाई जी आप मंच पे बने रहे हैं, पंकज जी गुरु भाई ने एंड्रेस किया है, पंकज मेरे को तो जी क्या गुरु भाई स्वागत है। और जय गुरुदेव, हमारे जय साथ गुरुदेव आप जी, गुजर जी गुरु भाई जुड़े हैं, बबलू गुजर जी, यदि जी आवाज सुन पा रहे हैं तो गुरु भाई कृपया। बबलू गुरु जी से अनुरोध है मेरा कि आप कृपया मंच पे आए, पर अपनी बात को रखें, अपनी अनुभूतियों को रखें, अपनी जिज्ञासा भी रखें, कोई प्रश्न है तो अभी आप रख सकते हैं। गुरु भाई जी आपका स्वागत है मंच पर। बबलू गुर्जर जी जय गुरुदेव। चलिए कोई बात नहीं, गुरु भाई दूसरा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं राम हरी बोल रहा हूँ, वो अपना बच्चा है, वो ये कहता है अभी गुरुदेव का आदेश नहीं है इसलिए नहीं जुड़ता वो। अच्छा 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 जी गुरु भाई, चलिए ठीक है, चलिए प्रियंका वो हमारे साथ। कहता है कि जब जी गुरुदेव प्रियंका, आदेश दे देगा तब मैं जुड़ूंगा। कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई, जी गुरु प्रियंका भाई, जी जुड़े प्रियंका हैं। गुरुवार से मेरा निवेदन है, कृपया मंच को साझा करें बहन। यदि आपके कुछ पूछना नहीं है तो सिर्फ अपना हाँ अपना परिचय दे दें, आप कहाँ से हैं, कब से जुड़ी हैं। प्रियंका जी गुरबान, चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ रान कुशल कौशल सिंह जी जुड़े हैं, रान कौशल सिंह जी गुरु भाई। रन कुशल जी, अच्छा ये गुरु बहन जी हैं, गुरु बहन जी बोलना चाहेंगी, जय गुरुदेव। गुरबान जय गुरुदेव, चलिए नए साधक जी जी हैं उनसे निवेदन है पुनः कि वो कृपया आए और अपनी जी कोई भी जी रखते हैं, वो स्वतंत्र है हम सभी।
और कोई नहीं आता है तो अब मेरे को भी रात को कुछ इसी तरह की अनुभूति हुई थी जो हमारे गुरु भाई करें, गुरु भाई शेयर करें प्लीज। कल रात को मुझे भी तो आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई सब। जय गुरुदेव। जो हमारे अभी गुरु भाई बता रहे थे कि ध्यान घटित होता है, तो शाम को वह भी वैसे ही बैठा बैठा, और कल की रात शायद दिव्य थी, हम काफी गुरु भाई बहनों को अनुभूतियां हुई है, तो मेरा भी मन लग गया और एक भाव में मैं जाके बहुत गहरा ध्यान लगा था। मुझे एक ही बात समझ में आ रही थी उस समय कि गुरुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं एक्चुअली। तो एक वो प्रार्थना है जो बचपन में मैं स्कूल में हम करते थे, वो बार बार मन में आ रही थी कि चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, फिर भी मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। इसके आगे भी मिलता है सच्चा सुख केवल तुम्हारे चरणों में। हाँ जी हाँ जी, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। तो कहने का मतलब ये समझ नहीं आई थी, परंतु आज जाके समझ में आ रही है कि इसमें सारी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। मतलब इस प्रार्थना के जब शब्द हम सुनते हैं तो ये एक्सट्रीम कंडीशन पे आ जाती है कि सारा संसार मेरा वैरी बन जाए, मुझे घर से निकाल दें, इस तरह की बातें काफी हैं इसमें, और एक्सट्रीम केसेस मतलब। फिर भी लास्ट में मैं क्या चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान जो है आपके चरणों से अलग ना हो। इस तरह के भावों में जब मैं मतलब ध्यान में गया गहरे, तो मुझे भी कुछ सितारे वगैरह दिखाई दिए, परंतु क्या थे वो, लेकिन हो सकता है वो भी एक गैलेक्सी का फॉर्म हो, जो बाकी तो गुरुदेव जानते हैं उन क्या दिखाते हैं। परंतु जीवन में बस अब मतलब ये जो भाव है ये बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं बहुत बार कि गुरुदेव के अलावा और कुछ जीवन में है नहीं एक्चुअली, ये हमें समझना चाहिए। आप आज की जो हमारी लेखनी थी वो भी बड़ी दिव्य थी, उसमें भी गुरुदेव आज जो बाइबल की भविष्यवाणियां है ये हमारी नहीं है, बाइबल की है जो ईसाइयों का ग्रंथ है, और उसमें बहुत इस तरह की भविष्यवाणियां की हैं कि जब तक वो तुम्हें बपतिस्मा नहीं देता तब तक वो आखिरी दिन नहीं आएगा। बपतिस्मा का मतलब होता है दीक्षा, बैप्टाइज, इसको हिंदी में बपतिस्मा कहते हैं। तो कहने का मतलब कि इन सब भविष्यवाणियों का पूरा विश्व इंतजार कर रहा है पूरा होने के लिए। ये सिर्फ हमारे धर्म के अनुसार भी, हमारा जो गुरुदेव स्पीच में कहते हैं यदा यदाहि धर्मस्य, ईसाइयों की तरफ से भी, यहूदियों की तरफ से भी, सभी जगह से, क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास है ईसा में कि वो जो बोल के गया वो जरूर होगा। और उन्होंने, ईसा मसीह ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ और मैं जाऊंगा नहीं तो मैं तुम्हारे पास पिता को नहीं भेज पाऊंगा, मैं जाऊंगा इसीलिए मैं उनको भेजूंगा, और मैं उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने गुरुदेव के बारे में पहले से बोली। ये भी बोला है कि वो आएगा और तुम्हारे माथे पे मोहर लगाएगा, तुम भूत भविष्य देखोगे, तुम ये मतलब ये चमत्कार सब करने लगोगे तुम, जो कि हमारे साथ धीरे धीरे बहुत लोगों के साथ घटित भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब सारांश मैं इस बात को इस निचोड़ में लाना चाह रहा था कि ऐसा जो परिस्थितियां बन रही हैं उनसे भी हम ये मान सकते हैं कि समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लगता नहीं है ऐसा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है हालांकि ये, कि जो भविष्यवाणियां जो लिखा गया है, जो इतनी धार्मिक ग्रंथों में या भविष्य वक्ताओं द्वारा जो बोला गया है, जो गुरुदेव ने अपने इस मतलब स्पीचेस में या अपनी लेखनी में भी वर्णन किया है, वो समय बड़ा जल्दी है। गुरुदेव ने एक कल परसों ही लेखनी थी, उसमें बोला था गुरुदेव ने कि समय बहुत कम है और कार्य बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा पड़ा है अभी। तो
कहने का मतलब कि हमें गुरुदेव में एकनिष्ठता बढ़ानी चाहिए, और क्योंकि अब समय नजदीक है प्रचार में अपने आप को लगा के गुरुदेव में ही हमें ये इनके इन प्रकार मन लगाना चाहिए। जय गुरुदेव भाई सब। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जैसे ही सेशन खत्म होगा आपकी जिज्ञासा जो भजन वाली थी ना उसको जी बुद्धि जी। गुरु भाई ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं, अगर उनको मान लीजिए समझने में असुविधा हो रही है, तो नीचे जो बटन बने हुए हैं उसमें फर्स्ट बटन कैमरे का है, सेकंड बटन माइक का है। अगर मान लीजिए उनको अगर बोलने में या मतलब किसी तरह की असुविधा हो रही है तो वो यूज कर सकते हैं। नीचे फर्स्ट बटन मतलब कैमरे का है, सेकंड माइक का है, और अगर उनको कैमरा ऑन करने में कुछ असुविधा है तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनि राठौर, अजय कुमार मिश्रा जी, आप सभी से निवेदन है कृपया अपनी बात को रखें मंच पर। जितेंद्र जी हैं, महावीर जी होल्ड पे हैं, महेश गायकवाड़ जी हैं। भाई साहब शायद रामहरि जी ने भी हैंड रेस किया था, अगर वो कुछ बोलना चाहें तो। रामहरि जी गुरु भाई जी, गुरु भाई जी स्वागत है आपका। स्वागत है गुरु भाई जी। गुरु भाई कोई नहीं आ रहा तो मैं कि मेरी एक अनुभूति है गुरु भाई। मैं जी स्वागत है, स्वागत है गुरु भाई। कोई नया जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई क्या हुआ, एक दिन में ध्यान में बैठा था जी जी गुरु भाई, तो वो ध्यान घटित की बात चल रही है, उसी की अनुभूतियों की बात चल रही है, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ गुरु भाई। ये बताएं प्लीज गुरु भाई। जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, गुरुदेव से 15 मिनट के लिए मैंने प्रार्थना की और आंखें बंद की, तो मैं जैसे ही ध्यान करने लगा गुरु भाई, तो अंदर से आवाज आती है कि हे मन 15 मिनट यहीं रुक, कहीं इधर उधर मत भागना और यहीं रुका रहे। मतलब अंदर से किसी शक्ति ने आवाज दी, उसे आदेश दिया। तो गुरु भाई 15 मिनट तक ध्यान कहीं नहीं हिला इधर उधर, और मेरे को थरलाई पे प्रकाश दिखाई दिया और उसमें से गुरुदेव निकल आया। ऐसा गुरु भाई 2-3 बार मेरे को यह अनुभूति हुई, और दोनों तीनों बार उसने आदेश दिया उस शक्ति ने अंदर से कि हे मन 15 मिनट यहीं रुक, मैं गुरुदेव का ध्यान लगाना चाह रहा हूं, तो यहीं रुक। और फिर वो थर्ड लाइक पे प्रकाश दिखाई देता है और गुरुदेव निकल जाता है। ऐसी मेरी 3 अनुभूति है गुरु भाई है। तो गुरुदेव के इस सिद्ध योग में कोई चीज असंभव नहीं है, जो कुछ कराना चाहते हैं खुद घटित करते हैं गुरुदेव, जो अंदर से करते हैं गुरु भाई, ये मेरा मानना है। अभी देखिए आप लोगों से बातें हो रही है, मैं संचालन कर रहा हूँ मंच का, और आज मुझे इतना आनंद आ रहा है गुरु भाई जी, अनुभूति समझ लीजिए लाइव अनुभूति है। मेरे दोनों कानों में सीटियां निरंतर बज रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, और आज तो मेरे साथ कुछ अद्भुत ही हो रहा है जी। मेरा मन ये कर रहा है कि चूंकि ये संचालन का कार्यक्रम चल रहा है, आंख बंद करके इसको सुनूं। सही बात, गजब का आनंद आ रहा गुरु भाई जी। इतनी सीटी बज रही, इतनी सीटी लाइव कार्यक्रम में बज रही है, तो गुरुदेव की कृपा ही तो है, और क्या है जी गुरु भाई। गुरुदेव बोलते खुली आंखों से घटित होगा, आपको तो नाम जपना है, ध्यान करना है, बाकी छोड़ दो, जो होना होगा वो मैं कर लूंगा, आगे की ड्यूटी मेरी। गुरु भाई एक चीज और जो मेरी समझ में आई है कि जो सब गुरु भाई बहन कहते हैं और मैं भी कहता हूं इस चीज को, कि सब कुछ ही हमारा गुरुदेव है। बिल्कुल, संसार में जो भी कुछ दिखता है हमारी खुली आंखों से, सब कुछ गुरुदेव है। इसकी अनुभूति किस प्रकार से वो बताता हूँ गुरु भाई, कि क्या होता है। जैसे मान लो मेरे मन में एक चीज घटित होने लगी थी अंदर से, कि जब सब कुछ गुरुदेव है तो यार जब करने वाला भी गुरुदेव, कराने वाला भी गुरुदेव, मैं मेरे में भी गुरुदेव, सब गुरु भाई बहनों में गुरुदेव। तो गुरु भाई क्या होता है कि जैसे किसी ऑफिस का काम है, सपोज करो मेरा बिजली विभाग का काम है, तो गुरु भाई मैंने मन में सोच लिया कि जब सब कुछ गुरुदेव है तो मुझे वहां जाने की जरूरत क्या है, तो वो अपने आप ही हो गया। और फिर गुरु भाई दूसरा क्या हुआ,
जैसे कि बैंक का मेरा काम पड़ा एक, तो बैंक का काम पड़ा था, तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि जब सब कुछ गुरुदेव है, सभी में गुरुदेव है, तो बैंक जाने की जरूरत क्या है। तो गुरु भाई वो ऑटोमेटिक उस मैनेजर का फोन आ जाता है मेरे पास, बोला भैया तेरा ये काम है, अगर तू चाहे तो इसको मैं कर दूं। तो मैं बोला कर दो, वो कर दिया गुरु भाई। ऐसे 3-4 अनुभूति हुई मुझे गुरु भाई। बहुत बढ़िया। ऐसा गुरुदेव है हमारा, सब जगह कण कण में क्षण क्षण जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ गुरुदेव है गुरु भाई। बहुत बढ़िया। और मेरा सभी गुरु भाई बहनों से ये कहना है, हालांकि सब गुरु भाई मेरे समझदार हैं, सब गुरुदेव के शिष्य हैं, कि सिर्फ गुरुदेव का मंत्र जपो, गुरुदेव से प्रार्थना करो और गुरुदेव का प्रचार प्रसार करो, और उसी के लिए दिल धड़काओ बस। जी बिल्कुल। और यही प्रार्थना करो, अगर गुरुदेव मेरी सांस भी चले तो सिर्फ तेरे लिए, मेरा दिल भी धड़के तो तेरे लिए, जो कुछ करूं जीवन में सुबह से शाम तक जगूं सोऊं जब तक तेरा ही काम करता रहूं गुरुदेव। बस बस, ये मेरी अनुभूति थी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, धन्यवाद। क्रांति गुरुबान जी आपका स्वागत है मंच पे। गुरुबान जी आपका स्वागत है, अगर आवाज मेरी पहुंच रही आप तक तो कृपया मंच को साझा करें। जय गुरुदेव। क्रांति गुरबान, साधना गुरबान ने भी हैंड रेज किया है, स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा आज का कुछ बताना चाह रही थी। जी स्वागत। मेरा थोड़ा शरीर वीक है तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो आज क्या है, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और कुछ चीजें इमरजेंसी थी, वो मुझे नजदीक में ही एक शॉप है, करीब 50-100 मीटर की दूरी पे होगी, वहां मुझे जाना था और बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचना पड़ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। और फिर उसी परिस्थिति में मैं गई भी और भयानक मेरे दर्द हो रहा था पैर की तिल्लियों में, क्योंकि पेट की समस्या बढ़ जाती है तो मेरे पैर में राइट वाले में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। तो मैं चलने बहुत ही परेशान थी और जैसे रास्ते में जैसे जैसे जा रही थी तो दर्द बढ़ता ही जा रहा था, और अंदर से मतलब एक तरह से रोना सा आ रहा था कि क्या है, मतलब हर समय गुरुदेव तो याद रहते ही हैं, कि गुरुदेव को याद करके कि क्या है गुरुदेव इतना दर्द हो रहा है, ये सब चीजें हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए, और आप तो कहते हो ध्यान में मैं सब कुछ बताऊंगा और मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे करके सब कुछ मन में चल रहा था। फिर जब घर आई, शाम को मीटिंग का समय हुआ और अपना घर का जो काम था वो भी अब मैंने कर लिया। जब ध्यान में मैं बैठी तो मैं पलंग पे करती हूँ, शाम को ना पलंग पे करती हूँ, सुबह के टाइम पे मैं जमीन पे करती हूँ, क्योंकि शाम को ज्यादा मुझे योग नहीं होता, सुबह को होने की ज्यादा संभावना रहती है, तो मैं जमीन पे कर लेती हूँ। तो ध्यान में जैसे ही बैठती हूँ और वही सबसे पहले तो वो सामूहिक मुद्रा तो हमेशा लगी रहती है मुझे, पूरे ध्यान में लगी रहती जबरदस्त, और इधर मैं गुरुदेव को बोल रही हूँ कि मेरे आज इतना दर्द हो रहा है, तो गुरुदेव क्या करते हैं, मुझे जमीन पे ले आते हैं। अच्छा। हाँ, जमीन पे ले आते हैं और जमीन पे आके मुझे सर्वांग आसन होता है और हल आसन होता है, सिर्फ और सिर्फ सिर का हिस्सा और शोल्डर जमीन पे रहता है, बाद बाकी सारा ऊपर सीधा हो जाता है, है ना। और जो आप मयूर आसन के मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने पहला नोएडा जॉब किया तो वहां पे आसन मतलब कंपलसरी थे, तो मुझे नाम भी याद है, तो एक मयूर आसन होता है, मयूर आसन हुआ, है ना। तो ये 3 आसन गुरुदेव ने कराए, उसके बाद में अभी पैर का दर्द बिल्कुल गायब है। बहुत बढ़िया। यही बताना चाह रही थी, बिल्कुल 1% भी नहीं है दोनों कोई, बस यही बताना चाह रही थी। जय गुरुदेव। इसीलिए बोलते हैं ना गुरुदेव गुरुबान की, हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। बोलिए कल की अवतार की जय हो। जय हो। सेशन का
क्रांति गुरु बहन स्क्रीन पे थी, कुछ करना चाहती? स्वागत है बहन आपका, नहीं तो फिर कार्यक्रम का समय हो गया है। हम गुरुदेव की चरण गुरु भाई होल्ड दिखाया था, होल्ड है। जी जी फिर आई थी शायद, होल्ड के बाद भी आई थी, पता नहीं आवाज नहीं पहुंच रही उनके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, आपने भी सेशन शुरू किया था ना, उससे पहले आपने बोला था ना कि सुबह के सेशन में क्या, फिर रुक गए आप, क्या बोल रहे थे आप सुबह के सेशन के लिए? क्या ले, अभी अभी जब बोला था मैं बता रहे थे बच्चे के, हाँ जी बता रहे थे गुरु भाई। हाँ हाँ, वो सुबह के सेशन में, अब चूंकि देखिए चर्चा तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन मैं आज चर्चा चाह रहा था कि अध्यात्म क्या है, जो बिटिया ने प्रश्न पूछा था कि अध्यात्म क्या है, तो हमें जितनी जानकारी थी हमने जवाब दिया। तो मैं सुबह सोचा था कि इसको आत्मा मंच पे रखूंगा, लेकिन जब चर्चा बड़ी सात्विक रही, एक के बाद एक गुरु भाई आते रहे, तो मैं उसको नहीं रख पाया। और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो भी गुरु भाई कल इसको मंच का संचालन करें, अध्यात्म क्या है उस पर चर्चा जरूर रखें। जी गुरु भाई स्वागत है। गुरु भाई मैं बताना चाहता हूँ अध्यात्म का अर्थ क्या है, मैंने जो इतना समझा है अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का ध्यान। जी बिल्कुल, जो आत्मा का ध्यान जो जो चीज हमें ईश्वर से मिला दे आत्मा के माध्यम से, गुरु समर्थ गुरु के माध्यम से, वही अध्यात्म है। आत्मा का सफर हमने भी यही बताया था। बिटिया अच्छा क्वेश्चन करती है, अच्छा लगता है, और जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि उनका समुचित जवाब दिया जाए, उनकी जिज्ञासा को हमें जरूर उनकी जिज्ञासा को वो क्या जिज्ञासा रखते हैं हमें उनका जवाब समुचित देना चाहिए। वही मैं बोल रहा था कि सुबह बिटिया ने प्रश्न किया था कि अध्यात्म क्या, इतना बोला था तब तक थोड़ा सा आज का कार्यक्रम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। अच्छा लगा, अगर हिंगू जी गुरु भाई मंच पे हैं तो मेरा निवेदन है आपसे कि कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई नहीं है, गुरु भाई नहीं है। जय गुरुदेव। विक्की जी भाई आप समर्पित कर दें। पंकज जी गुरु भाई है, पंकज जी गुरु भाई आइए सामने। भाई हमारे रामलाल जी गुरु, रंगलाल जी गुरु भाई से अनुरोध है कार्यक्रम को समर्पित करें गुरुदेव चरणों में। मैं ये कर देता हूँ जी, आप ही कर दीजिए। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत में व्याप्त हो और जगत के कल्याण के लिए हो। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, बोलिए कल की अवतार की जय हो।